एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। श्रीगंगानगर के घरसाना से बड़ी खबर, अन्नदाताओं का दिल्ली कूच है आज। बड़ी खबर फिलहाल बता रहे हैं, अन्नदाता यानी किसानों का आज दिल्ली कूच का दिन यहां पर रखा गया है और किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने दिल्ली कूच की जो तैयारी है वो कर ली है। एक दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सैकड़ों किसान रवाना होने वाले हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या वहां तक कूच कर पाएंगे। घरसाना गुरुद्वारा सिंह सभा से किसानों का जो काफिला है वो रवाना होगा और किसान संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है और किया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग यहां से भी उठ रही है और राजस्थान की ओर से समर्थन यहां पूरा मिल रहा है, पूरे जो कृषि आंदोलन है उसे। चलिए अधिक अपडेट के साथ समरता विकास पारीक इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, 56वां दिन आज देश भर में किसान आंदोलन का और राजस्थान की भूमिका यहां पर और अधिक महत्वपूर्ण। घरसाना से किसानों का जो कूच है दिल्ली के लिए, क्या पूरी तैयारियां की गई है विकास? बिल्कुल जैसी मैं बताना चाहूंगा आपको, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में किसानों का दिल्ली जाने का सिलसिला लगातार जारी है जी। वहीं घरसाना, रावड़ा सहित आसपास के गांव से दसवों ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सैकड़ों किसान आज दिल्ली रवाना होंगे। किसान संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में गुरुद्वारा सिंह सभा के समक्ष सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 11 बजे एक्टिव होंगे और उसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं जताया जाएगा जी। अभी कुछ ही समय बाद किसानों का पहुंचना जो है वो शुरू हो जाएगा। किसान लगातार 2-3 दिनों से गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जाकर दिल्ली चलने की जो अपील है वो भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए समूचे जिले की तो लगभग 100 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली व हजारों की संख्या में किसान जो है जी। आज दिल्ली जाने के का अनुमान है। विकास, इसके अलावा अगर बात ये की जाए कि वहां हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर पूरी जो तैनाती की गई है पुलिस फोर्स की ओर से वो की गई है, और कौन सी जगह ऐसी है जहां से दिल्ली कूच कर सकते हैं? चूंकि आज महत्वपूर्ण दिन, 2 सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी 12 बजे सुनवाई है, उसके अलावा एक बैठक है यहाँ पर किसानों के संगठन के साथ में जो केंद्र सरकार है उनके। बिल्कुल, अगर बात की जाए समूचे क्षेत्र में तो लगातार 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के बारे में ज्ञापन, प्रदर्शन और ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई है। वहीं हमारी किसानों से भी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि तय जो केंद्र सरकार है कितनी भी पुलिस और प्रशासन और जाप्ता लगा दे, परंतु आज हम दिल्ली अवश्य पहुंचेंगे और 26 तारीख को प्रेयर के माध्यम से अपना विरोध जताएंगे। वहीं बार बार किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार अपनी हठ धर्मकता पर अड़ी हुई है और उनका कहना है कि जब तक सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती है ये आंदोलन लगातार इलाके में और समूचे देश में जारी रहेगा। विकास, अगर महिलाओं की भूमिका की बात करें यहाँ पर, महिलाएं क्या साथ में पहुंच रही है? चूंकि लगातार केंद्र सरकार की ओर से ये दावा और ये जो बयानबाजी वो की जा रही थी कि पूरा जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं पुरुषों पर टिका हुआ है, महिलाएं थोड़ी दूर है, क्या वहां आपके क्षेत्र से महिलाएं इसके लिए एक्टिव है? बिल्कुल जयंती, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार महिलाएं भी कहीं ना कहीं समूचे क्षेत्र में जब भी कोई ज्ञापन किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो आगे बढ़कर वो इस आंदोलन में शो कर रही है जी। बात की जाए शाहजहांपुर बॉर्डर की या बात की जाए दिल्ली बॉर्डर की तो तमाम बॉर्डर इलाकों पर घरसाना, अनूपगढ़, रावला, खाजुवाड़ा और समूचे जिले की जो महिलाएं हैं वो वहां पहुंची ही है। वही पूर्व विधायक पवन दुग्गल जो पूरे समूचे परिवार सहित शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं और महिलाएं जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर जो है भाग ले रही है। एक ही मांग है कि ये जो कृषि कानून है इनको रद्द किया जाए जी। चलिए विकास, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।